यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जो हमें हर समय, हर टाइम, हर वक्त बचाता है और हर समय हमारे साथ रहता है। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस समय भी आप महसूस कीजिए वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ ही बैठा हुआ है और वो उसने एक कवच बनाया है आपके चारों ओर जो कि आपको हर तरह की बीमारी, हर एक रोग से बचाता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस साथ के लिए जो वो हमें देता है, चाहे हम उसको याद करें ना करें। जैसे कि हमारे माता पिता, हम उनको याद करें ना करें लेकिन उनका प्यार कभी हमारे लिए कम नहीं होता। उसी तरह से हमारा परमेश्वर है जो कि उनसे भी बढ़कर है, उसका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता है। और आपको मैं उत्साहित करने के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बाइबल में से पढ़ें। भजन संहिता 91 शायद आपको दिख रहा होगा, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही सुंदर वचन। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम है, हम सबको बचपन से पढ़ाया जाता है। नहीं तो जवानी में जब हम चर्च जाते हैं तब तो हमने ज़रूर ही पढ़ा होगा, कहीं हमने ट्रेनिंग में सुना होगा या कभी हमने चर्च में सुना होगा, हमने कहीं ना कहीं अपने पूरे मसीही परिवार में सुना होगा। ज़रूर हम इस वचन को सुनते हैं और आपको उत्साहित करने के लिए इसका एक पद मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 91 उसका 5 और 6 जो कि मुझे बहुत साहस देता है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तेरे निकट 1,000, ध्यान से सुनिएगा, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। तो जो ये महामारी चल रही है, जो ये बीमारी चल रही है, आप उससे ना घबराएं। हाँ, आप अपने घर में ज़रूर रहें, आप सारे एहतियात बरतें, आप प्रोटेक्शन करें, अपने मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, कुछ भी करें, आप बाहर ना जाएं। मैं ये नहीं चाहता कि आप बाहर जाएं और खुले में घूमें, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप डरे ना, आप डरे नहीं बिल्कुल भी। वो देखिए, हमें नहीं पता कि ये ऐसी बीमारी है कि कब कहाँ से हमें पकड़ ले या कहाँ से क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपको उत्साहित इस बात में करना चाहता हूँ कि आप इस बात से ना डरें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारी बीमारी को जीत लिया है, परमेश्वर ने मौत को जीत लिया है और परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम भी उस पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि दोस्तों, बाइबल से ही आधारित है हमारा मसीह जीवन, ये बाइबल ही है जिससे हम जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया है और वो क्या करने वाला है और वो क्या कर रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि और आप और उत्साहित हों, 91 को आप पूरा पढ़ें और 21 को भी आप पढ़ें, भजन संहिता शाम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक दृढ़ विश्वास मिलेगा और आप और उत्साहित होंगे। और आप एक जोश के साथ इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए और अपने मन में इसको दोहराएं जब आप कहीं जाते हैं आते हैं। ये अभी के लिए नहीं, हमेशा ऑल टाइम के लिए, ये हमेशा एवर ग्रीन वचन है। तो आप इससे उत्साहित होंगे और इसको पढ़िए। हालेलुया। और देखिए, 91 स्टार्टिंग में ही लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरीर स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, आप भरोसा रखें। ऐसा भरोसा नहीं रखें कि जब तक बीमारी चल रही है, जब तक संकट चल रहा है, जब तक परेशानी चल रही है, तब तक आप भरोसा रख रहे हैं कि हाँ ठीक है, परमेश्वर है, यीशु मसीह आपको धन्यवाद, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं। नहीं, आपका भरोसा कंटिन्यू होना चाहिए, वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वो ऊपर बढ़ते ही रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसा परमेश्वर है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तो हम वैसा ही बनने की कोशिश करें। सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, हम जानते हैं इस बात के लिए, लेकिन हम कोशिश तो ज़रूर करें। ये नहीं है कि हम बैठे रहें या खाली समय में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी गेम खेलता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उन सबसे ऊपर है मेरा परमेश्वर, ये वचन, क्योंकि इससे मुझे सामर्थ्य मिलती है, इससे मुझे खुशी मिलती है और फिर उसके बाद उस एनर्जी को लेकर मैं अपना पूरा दिन बिताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को करें और एक एनर्जी प्राप्त करें और वो जो आग आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने जलाई है, उस आग को आप बुझने ना दें। यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह।